हैदराबाद से हार के बाद पंजाब के कप्तान अश्विन का बयान, बताई हार की सबसे बड़ी वजह। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 133 रनों के छोटे टारगेट का पीछा करते हुए 13 रनों से हार के बाद किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने हार की वजह बताई है। आईपीएल सीजन 11 के 25वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लो स्कोरिंग मैच में पंजाब की शर्मनाक हार के बाद किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान अश्विन काफी निराश दिखे। अश्विन ने कहा कि हम गेम में अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन हम मौकों पर विकेट बनवाने से हमारे हाथ निराशा ही लगी। अश्विन ने कहा कि इस मैच में यह अब तक की सबसे अच्छी विकेट नहीं थी। उन्होंने कहा कि वैसे आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में इस तरह की हार होती रहती है। अश्विन ने कहा कि अब हमारा मकसद यह होगा कि इस हार को भूलकर आगे होने वाले मैचों में अच्छा प्रदर्शन करें। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पंजाब की खराब फील्डिंग पर अश्विन ने कहा कि हमें अपनी फील्डिंग में बेहद सुधार की जरूरत है। हमने इस मैच में 4 महत्वपूर्ण कैच छोड़ दिए। अगर हमने वो कैच पकड़ लिए होते तो हम हैदराबाद को 100 रन से नीचे रोक सकते थे, जो कि पंजाब के लिए आसान टारगेट होता। अश्विन ने कहा कि हम प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, ऐसे में गलतियों के आगे कोई तर्क नहीं देंगे।